ऐसे करके पहले बटुआ बनाने के लिए गोल बनाएंगे। ये बटुआ का गोल नीचे का बेस बन रहा है। बेस बनाने के लिए मैंने पहले क्या किया था, मैंने पहले इसमें 6 चेन बना के राउंड किया, पहले चेन के साथ ज्वाइन किया। उसके बाद फर्स्ट लाइन जो है रो फर्स्ट में हर एक घर में पहले 12 डबल क्रोशे बनाया। फर्स्ट राउंड में 12 डबल क्रोशे बनाया। वो बनाने के बाद सेकंड जो राउंड है उसमें हर एक घर में दो दो डबल क्रोशे बनाया, 24 डबल क्रोशे हो गया। ऐसे करके जो थर्ड लाइन है वो वाइट का बनाया, उसमें क्या किया, एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में दो डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर दो डबल क्रोशे, ऐसे करके बनाया। फिर देख के आपको बनाना पड़ेगा, जब राउंड बनाओगे तो देख के बनाना पड़ेगा कि ये सिकुड़ रहा है नहीं तो टाइट हो रहा है। जैसे ये जो स्टेप है, ये रो 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ रो है, इसमें मैं देखती हूँ ये जो लाइन है इसको देखना है। ये अगर बहुत नीचे जा रहा है तो आपको थोड़ा एक और डबल क्रोशे उसमें बनाना है, नहीं तो आप एक एक घर में एक एक डबल क्रोशे बना के जाओ, एक एक घर में एक एक डबल क्रोशे ऐसे बनाते जाओ। ऐसे करके अभी देखो ये लाइन में है, ये बनाने के बाद भी ये लाइन में है तो ये श्रिंक नहीं हो रहा है। अभी देखो ये लाइन से ये ऐसे होना चाहिए, थोड़ा नीचे की ओर आ रहा है तो इसमें एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे देख के आपको बनाना है, कोई इसमें रूल नहीं है कि आप एक डबल क्रोशे बनाओ फिर दो बनाओ फिर एक बनाओ, ऐसे करके कोई रूल नहीं है। जब राउंड शेप बनाओगे तो तुम्हें देख के करना पड़ेगा कि शेप कैसे हो रहा है, उसी हिसाब से बनाना है। लास्ट में जो घर है उसमें मैं दो डबल क्रोशे बनाऊंगी, फिर कलर चेंज करेंगे, वाइट करेंगे, दो राउंड ब्लू एक राउंड वाइट, ऐसे कर रही हूँ मैं, चेंज करने के लिए कैसे करते हैं, ये जो थर्ड स्टिच है इसमें लगाएंगे, फिर अंदर आके ऐसा, फिर चेन थ्री, नेक्स्ट चेन थ्री, चेन थ्री करने के बाद डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें दो डबल क्रोशे, फिर डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, ठीक हो रहा है, ये लाइन में ही जा रहा है तो डबल क्रोशे, डबल क्रोशे, इसमें थोड़ा नीचे आ रहा है तो एक और डबल क्रोशे, ऐसे करके बेस बनाना पड़ेगा। बेस बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे ही आपको देख के बनाना पड़ेगा कि ये लाइन में एक ही लाइन में आ रहा है या सिकुड़ रहा है। अगर ये श्रिंक हो रहा है ये, तो इसको एक घर में दो स्टिच बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक घर में एक ही स्टिच बनाइए। लगभग इसमें क्या करते हैं, 4-5 घर 6 घर एक घर में एक डबल क्रोशे बनाते हैं, फिर नेक्स्ट घर में दो डबल क्रोशे बनाते हैं। ये बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ये क्रोकोडाइल स्टिच एक लाइन मैंने बनाई है, अभी ये कैसे बनता है ये आपको दिखाऊंगी। इसके लिए पहले क्रोकोडाइल स्टिच का फ्रेम बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो फ्रेम बनाने के बाद क्रोकोडाइल स्टिच बनेगा। कैसे ये बनता है, पहले दो डबल क्रोशे एक ही घर में करिए, एक ही स्टिच में दो डबल क्रोशे करिए,
फिर चेन वन, देन स्किप टू स्टिचेस, देन थर्ड स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर चेन टू, फिर स्किप टू स्टिचेस और थर्ड स्टिच में दो डबल क्रोशे। फिर चेन वन, तो कैसे चल रहा है ये, हर एक बार दो घर स्किप कर रहा है और ये चल रहा है ऐसे, दो डबल क्रोशे चेन वन, वन डबल क्रोशे चेन टू, दो डबल क्रोशे चेन वन, वन डबल क्रोशे चेन टू, और हर एक बार दो घर स्किप करके कर रहे हैं। तो ये हुआ दो डबल क्रोशे चेन वन, फिर वन डबल क्रोशे चेन टू, फिर एक दो तीन, इसमें दो डबल क्रोशे चेन वन, फिर वन डबल क्रोशे चेन टू, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर पूरा बना के फिर आप अभी देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया है, इसका फ्रेम पूरा बन गया है। अभी इसमें क्रोकोडाइल स्टिच बनाऊंगी, तो कलर चेंज करके मैं ब्लू में बनाऊंगी, तो ब्लू लिया मैंने। अभी चेन थ्री, ये फर्स्ट डबल क्रोशे रिप्रेजेंट करेगा। चेन थ्री के बाद ये जो एक डबल क्रोशे है वाइट कलर का, इसमें हम टोटल फाइव डबल क्रोशे बनाएंगे। तो एक चेन थ्री हुआ, ये दो हुआ, फिर तीन, चार, पांच, पांच डबल क्रोशे हुआ। पांच डबल क्रोशे के बाद एक बीड्स लेंगे, एक बीड लेके इसको सिंगल क्रोशे से लॉक करेंगे। ये लॉक करने के बाद एक दूसरे साइड में जो डबल क्रोशे है उसमें भी पांच डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच। फिर जो नेक्स्ट एक डबल क्रोशे है वाइट कलर का, उसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो देखिए ये आपका क्रोकोडाइल स्टिच बन गया, समझ रहे हैं ना। एक और दिखाती हूँ, ये जो दो डबल क्रोशे बनाए थे एक ही घर में एक ही स्टिच में, उसका पहला वाला में पांच डबल क्रोशे बुनिए, एक दो तीन चार पांच, पांच डबल क्रोशे करने के बाद एक बीड लीजिए, वो बीड को ऐसे सिंगल क्रोशे से लॉक करिए। फिर दूसरे साइड में डबल क्रोशे जो है उसमें भी पांच डबल क्रोशे बनाइए, एक दो तीन चार पांच। फिर जो एक है डबल क्रोशे उसमें स्लिप स्टिच, ऐसे करके पूरा स्टिच बनेगा। नीचे जैसे बना है ऊपर भी ऐसे ही बनेगा। वो पूरा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्रोकोडाइल स्टिच बन गया, बैग का बॉडी लगभग बन चुका है। अभी ये बटुआ है तो ऐसे आएगा, ये ऐसे दिखेगा। तो इसके लिए इधर धागा डालने के लिए एक लाइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए करेंगे ट्रिपल क्रोशे चेन टू, ट्रिपल क्रोशे वन, ट्रिपल क्रोशे चेन टू, वन ट्रिपल क्रोशे, ऐसे करके बनाएंगे। तो वन ट्रिपल क्रोशे को रिप्रेजेंट करेगा फोर चेन, फर्स्ट चेन फोर, वन टू थ्री फोर,
चेन फोर, फिर स्किप टू स्टिचेस, ऑन थर्ड स्टिच डू वन ट्रिपल क्रोशे। ट्रिपल क्रोशे क्या है, ये दो बार ऐसे करके घुमाना पड़ेगा, फिर ये स्टिच। ये फिर चेन टू, वन टू, चेन टू, फिर स्किप दो स्टिचेस एंड ऑन थर्ड स्टिच डू वन ट्रिपल क्रोशे। थोड़ा गलत हो गया, इधर मैंने चेन टू करना भूल गई थी, तो चेन फोर फिर चेन टू, उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे, फिर चेन टू, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर चेन टू, फिर ट्रिपल क्रोशे, फिर चेन टू, ऐसे करके पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे ये धागा डालने के लिए मैंने ट्रिपल क्रोशे का रो बनाया। ये लास्ट है, इसमें वन टू थ्री फोर ऐसे करके इसको ज्वाइन करना है, फिर चेन थ्री। थ्री चेन बनाने के बाद देखिए ये ऐसे हो रहा है, अंदर से ऐसा, ये थ्री चेन बनाने के बाद इसमें एक दो चार, एक दो एक गैप में दो चेन, फिर ये ट्रिपल क्रोशे के ऊपर एक चेन, फिर गैप में दो चेन, ट्रिपल क्रोशे के ऊपर एक चेन। ये डबल क्रोशे ऐसे करके, चेन नहीं डबल क्रोशे सॉरी, ये ऐसे करके पूरा राउंड घूम के बनाएंगे, फिर ये बनाने के बाद दिखाती हूँ। देखिए इतना दूर तक बन गया बटुआ का, पूरा बॉडी बन चुका है, अभी फिनिशिंग लाइन हम बनाएंगे। मैंने क्या किया एक बार फिर से बोलती हूँ, पहले बेस बनाया सिक्स रोज, टू रोज ब्लू, वन रो वाइट, ऐसे करके सिक्स रोज बेस बनाया। उसके बाद तीन रो ब्लू का बॉडी बनाया, फिर एक क्रोकोडाइल स्टिच, फिर तीन रो ब्लू का बॉडी, फिर एक क्रोकोडाइल स्टिच, फिर एक लाइन ब्लू, एक लाइन वाइट, एक लाइन ब्लू, तीन रो बॉडी का। फिर मैंने दिया ये ट्रिपल क्रोशे वाला जो धागा घुसाने का जो रो है वो बनाया, उसके बाद एक लाइन दिया ब्लू का, फिर एक लाइन दिया वाइट का, अभी फिनिशिंग लाइन होगा। फिनिशिंग लाइन कैसे बनाएंगे, एक ही स्टिच में तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर स्किप टू स्टिचेस और थर्ड स्टिच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे ऐसे, तो ये थोड़ा वेव जैसा होगा, वेवी होगा। इधर चेन थ्री, फिर वो सेम स्टिच में दो डबल क्रोशे, टू वन टू, तो तीन डबल क्रोशे हुआ, फिर स्किप टू, थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच। फिर से देखिए चेन थ्री, सेम स्टिच में और
दो डबल क्रोशे, टोटल तीन डबल क्रोशे हुआ, स्किप टू ऑन थर्ड स्टिच, स्लिप स्टिच। तो ऐसे ये ऐसे बनते रहेगा, बनेगा ऐसे वेवी 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 ऐसे करके वेव जैसा जाएगा। ये पूरा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखो इतना दूर बन गया, पूरा फिनिशिंग लाइन वेवी फिनिशिंग लाइन बन गया। अभी लास्ट जो है तीन डबल क्रोशे, एक में थ्री चेन देन टू डबल क्रोशे, टोटल थ्री डबल क्रोशे ये बनेगा। अभी ऐसे करके इसके साथ ज्वाइन करना है, फिर इसको खींच के इधर से काट करना है। ये बटुआ बन गया। अभी इसका ये जो रस्सी बनाना पड़ेगा, इसको फिनिश करेंगे, इसको ये जो धागा एंड, जो धागा का एंड है उसको छुपाना पड़ेगा। उसको कैसे छुपाएंगे, फिर फर्स्ट ऐसे करके, फिर इसका मुख पहले बंद करो लाइटर से, नहीं तो ये धागा छोड़ेगा। फिर इसका एंड को ऐसे छुपाना पड़ेगा। ये बैग बन चुका। अभी इसका धागा बनाना आपको दिखाएंगे। अभी धागा बनाएंगे। धागा बनाने के लिए पहले ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर वन टू थ्री चेन थ्री बनाएंगे, फिर सेकेंड चेन में ऐसे सिंगल क्रोशे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, फिर इसको पकड़ के दो घर ऐसे छोड़ना है, फिर फर्स्ट घर को ऐसे बुनना है, नेक्स्ट स्टिच ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं कैसे बन रहा है। इसमें जो रस्सी है बहुत अच्छे से बनेगा। तीन स्टिच है हुक में, दो स्टिच को छोड़ दो, उसको पकड़ के रखना, उसका बेस पकड़ के रखना है, फिर फर्स्ट स्टिच को बुन लो, बना लो, फिर सेकंड को बनाओ, फिर थर्ड को बनाओ। ये फिर से थ्री स्टिच आ गया, दो छोड़ दो, फर्स्ट बनाओ, सेकंड बनाओ, थर्ड बनाओ, हो रहा है ना। फिर से दो छोड़ दो, एक बार और दिखाती हूँ। फर्स्ट स्टिच बनाओ, सेकंड स्टिच बनाओ, थर्ड स्टिच बनाओ, ऐसे पूरा बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे बन रहा है, ये चारों ओर से एक ही जैसा, बहुत सुंदर होता है ये रस्सी। एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ कैसे बन रहा है। तीन है स्टिचेस, तीन लूप्स था, पहले लूप को छोड़ दिया, सेकेंड और थर्ड लूप को छोड़ दिया, तीन लूप है, वन टू थ्री, इधर से सेकेंड और थर्ड लूप को छोड़ दिया, फर्स्ट लूप को पहले बनाइए, फिर सेकेंड लूप को बनाइए, फिर थर्ड लूप को बनाइए, ऐसे करके। देखो ये बैग बन गया। बटुआ बन गया। अभी ये साइड में ये बना लिया मैंने, इसको लगाएंगे।
इसको ज्वाइन कैसे करेंगे जस्ट देखिए। देखो ये बन गया। अभी इसका अंदर में लाइनिंग लगाना पड़ेगा, फिर लाइनिंग लगा के आपको फिर से दिखाएंगे। ये बटुआ बनके रेडी है। ये बैग बटुआ बनके तैयार है। आप देख सकते हो इसके अंदर मैंने ये लाइनिंग भी डाल दिया है, कपड़ा भी डाल दिया है पॉपलिन का। इसको ऐसे स्टिच किया है तो इसको ऐसे करके यूज़ करते हैं। कैसा लगा मेरा बटुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए।